आप लोग आशीर्वाद सहयोग हमेशा ही है और हमेशा आप लोग हमारी जब भी मैं चुनाव के अंदर आयो वैसे आप लोग मीटिंग आयोजित करिए चाहे सुबह करिए चाहे दोपहर करिए शाम का करिए हमेशा आप लोगों को समर्थन दिए। अब तो आप लोगों को सपना ही है कि 3 महीना पहली बार आप लोग चुनाव में सहयोग करियो हाथ का निशान पर वोट दिया आपका जगह अभी भी हाल घर बांधना के जगह स्टीकर पुराना हाथ से लगे रहा है और फिर हाथ को निशान को स्टीकर 3 महीना बाद के अंदर वापस नहीं आएगी है तो आप लोगों को गलती नहीं करनी है और 6 तारीख में वोट देकर जाओ मशीन के ऊपर हाथ का निशान में देव डॉक्टर ज्योति मेहता जी ने आप लोगों को भारी वोटें कामयाब करनी है। विकास का काम चिंता मत करो आप लोग आपको आ जाइयो 3 महीना पहले महेंद्र चौधरी आपके बीच में वोट मांग पाए आप लोग समर्थन कराया वोट दिया आशीर्वाद दियो सरकार बनाई राजस्थान के मान सरकार बनवा के बाद के अंदर 2 महीना विधानसभा चालू होगी फिर बाद में चुनाव में ला गया तो इस चक्कर में अभी हाल विकास को काम देते थे कर्जा माफ की बात आई तो आप लोगों का हो चुका आप लोगों का कहीं भी क्योंकि बिजली का बिल नहीं बढ़वा की घोषणा आप लोगों का हो चुकी गरीब आदमियों का 1 रुपया किलो गेहूं हो गया पेंशन आप लोगों की 500 मिलती थी 750 मिलवा ला गया आप लोगों के दवाएं फ्री मिल रही है और भी कई प्रकार की सुविधा आपके राजस्थान सरकार में लागू हो चुकी है बेरोजगार लोगों वास्ते बेरोजगारी भत्तों भी कांग्रेस की सरकार देती है मैं आप लोगों ने कहना चाह रहे हो आपने सबकी किसाना की गरीबा की 36 करोड़ की पार्टी है कि देश के अंदर प्रदेश के अंदर तो वह कांग्रेस पार्टी है ये बात अपन ध्यान रखकर कांग्रेस का हाथ का निशान पर वोट दे जो कि दिन कामयाब कर रहे हैं धन्यवाद के लिए जय है डॉक्टर नियोजित करो आप लोग सहयोग आज गांव जिजोट में इस सभा में उपस्थित आपके एमएलए साहब सभी नेतागण मेरे सामने विराजमान बड़े बुजुर्गों नौजवान साथियों माताओं बहनों और प्यारे बच्चों मुझे ये सूचना पहले दे दी गई थी कि भाई आप अगर 19 तारीख को आओगे तो वहाँ पे एक तो ब्याह शादियों का सभा बहुत भारी है और दूसरा वहाँ पे हनुमान जयंती का जो मेला है वो भरेगा तो मुझे मालूम था लेकिन आप जानते हैं कि भाई समय बहुत लिमिटेड होता है पर्चा भरने के बाद में मुझे कुल 18 दिन मिल रहे हैं 8 विधानसभा क्षेत्र हैं एक एक विधानसभा क्षेत्र में अगर 2-2 दिन भी दूं तब भी 16 हो जाते हैं और फिर नगर पालिकाएं 8 आ जाती है कस्बे बड़े आ जाते हैं तो मैंने भाई साहब से जानबूझ करके कहा था मैंने कहा भाई साहब आप रख लो हमारा कार्यालय उद्घाटन अभी तक सिर्फ नामा विधानसभा का नहीं हुआ था जिसका आज हमने सुबह उद्घाटन करा उसके बाद से आज दौरे पर निकले हुए हैं आपके यहाँ पे भी थोड़ा 2-2.25 घंटा लेट चल रहे कोई लंबी बातें नहीं करके आज आप सभी को पता है माहौल चुनाव का है जिजोट हमेशा से बहुत ही मजबूत पंचायत रही है भाई साहब को एमएलए बना दिया अब जो आचार संहिता की वजह से काम रुके हैं जैसे भाई साहब ने बताया वो तो सबको मालूम ही है अब ये एमपी के चुनाव हो जाएंगे और अगर आपके आशीर्वाद से दिल्ली पहुंच गए सांसद बन गए तो राज कांग्रेस का है 4.5 साल तक पूरी कोशिश करेंगे कि आपके ज्यादा से ज्यादा काम करवाया जा सके नावा विधानसभा क्षेत्र में और नागौर लोकसभा क्षेत्र के अंदर जितने काम करवाने का हम लोगों से प्रयास बन पड़ेगा हम करने के लिए उसके लिए प्रतिबद्ध है। आज लंबी बात नहीं करके ये अजीब सी स्थिति है जब नागौर में कोई कांग्रेस बीजेपी का तो अपन खदम चुनाव है नहीं लड़ता कांग्रेस के हमें बीजेपी बीजेपी के हमें कांग्रेस पर अब कल कहीं थोड़ा मामला अलग है अब कल वो ईवीएम तो भूल गायब है भूल ना जड़ को हां भूल गायब है अब कल जगह कैंडिडेट आया है भी मैं कहूं कि भाई बीजेपी ने भी मंजूर को नहीं है इनका कैंडिडेट है तो घना ही है इनका विचारधारा का लोग जगह बीजेपी के साथ है अबे भी चाहे कि भाई नागौर की राजनीति साफ सुथरी रहनी चाहिए इधर बाको भी मानस हुआ है कि अब कल नहीं चुनाव हमें मारो सहयोग रहा तो मैं वही कहना चाहूंगा।